कई दावों से पता चला है कि रोजाना ठंडे पानी से नहाना यानी कोल्ड शावर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठंडे पानी से नहाने पर आपकी आदतों में कई सुधार हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य फायदे हैं, जैसे रक्त संचार अच्छा होना, तनाव कम होना, उत्साह और जागरूकता में बढ़ोतरी होना आदि। इस आदत से तनाव और चिंता कम होती है। साथ ही व्यायाम के बाद मांसपेशियों की मरम्मत का मामला हो, या वसा को कम करने की बात हो, या फिर इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना, इन सब में लाभ मिलता है। ये तो साफ बात है कि ठंडे पानी के संपर्क में हमारी त्वचा के आने पर शरीर को झंझनाहट सी होती है और शरीर तनाव में उस पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जो दिल की धड़कन और रक्त संचार को बढ़ाता है। दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी ठंडे पानी से नहाना बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। कंपकंपी के अलावा इसका और कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। पर माहिर कहते हैं कि हाँ, अगर आप बहुत बूढ़े हैं या कोई दिल की बीमारी है तो आप बेहोश हो सकते हैं या हार्ट अटैक भी आ सकता है। हालांकि इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है जिसमें पता चल सके कि कोल्ड शावर चिंता और तनाव की समस्या कम करता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये इसमें मदद कर सकता है। ठंडे पानी से नहाने पर शरीर के नुकसानदायक रसायन और हार्मोन शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे व्यक्ति को तनाव मुक्त महसूस होता है। कोल्ड शावर से आप उन परिस्थितियों से लड़ने के तरीके बदल सकते हैं जिनसे आप डरते हैं और आप असहज महसूस करते हैं। दूसरी ओर एक और तर्क दिया जाता है कि ठंडे पानी से नहाने वालों के दिमाग पर अचानक एक झटका सा लगता है, जो एक एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव हो सकता है। 2016 में प्लॉस वन पत्रिका में एक डच अध्ययन छपा था जिसमें कोल्ड शावर के स्वास्थ्य पर प्रभाव बताया गया है। अध्ययन में पाया गया कि 90 दिनों के दौरान रोजाना ठंडे पानी से नहाने की आदत से इस अध्ययन में शामिल 29% लोगों की बीमारी में कमी देखने को मिली थी। अध्ययन के दौरान लोगों को गर्म पानी से सामान्य शावर के अंत में उन्हें 30, 60 या 90 सेकेंड की अवधि के लिए ठंडे पानी से नहाने के लिए कहा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोल्ड शावर लेने से कोई फ्लू नहीं होता और ना ही इसका कोई गलत असर होता है और ना ही कितनी देर तक ठंडे पानी से नहाया इसका असर होता है। हिस्सा लेने वालों में सबसे खास फायदा ये था कि उनकी ऊर्जा में बढ़ावा हुआ, जो कैफीन के कई प्रभाव की तुलना से अधिक थी। दूसरी तरफ इसके प्रभाव के कारण शरीर और हाथ पैरों में ठंड लग रही थी। इसके बाद भी कई एथलीट्स व्यायाम के बाद ठंडे पानी से नहाने के समर्थन में हैं। ठंडे पानी से नहाने पर व्यायाम के बाद होने वाले दर्द में आराम मिलता है, लेकिन ये काम करता है कि नहीं, इस पर वैज्ञानिकों के पास कोई सबूत नहीं है। कुछ अध्ययन कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि मांसपेशियों को अनुकूल बनाने की क्षमता को कम करता है। 2014 में फिजिकल थेरेपी इन स्पोर्ट्स में एक अध्ययन छपा था जिसमें पाया गया कि ठंडे और गर्म पानी से नहाने के बीच कोई अधिक अंतर नहीं है। यह सबसे अधिक सुना जाता है कि ठंडे पानी से नहाने पर शरीर में जमा हो रखी वसा को एक्टिव कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, पर इस बारे में बहुत कम ही सबूत हैं। कई स्टडी में ये सामने भी आया है कि ठंडे पानी से नहाना स्पर्म प्रोडक्शन के हक में होता है। गर्म पानी से नहाते वक्त आपके अंडकोश का तापमान बाधित होता है और इससे स्पर्म काउंट पर सीधा असर पड़ता है। अगर आपके आहार में वसा की मात्रा ज़्यादा है तो स्पर्म काउंट की निश्चित तौर पर गिरावट आती है। ठंडे पानी से नहाने के फायदों के लिए वैज्ञानिक शोध अभी शुरुआती चरण में ही है और इसके अभी कोई पूरे साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर ठंडे पानी से नहाने पर ठंड लगने के अलावा और कोई नुकसान नहीं होता तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जब लोगों को लगता है कि ये काम करता है।